सो फाइनली अभी रॉयल एनफील्ड की एक बाइक हमने बुक करवा दिया। इनफैक्ट बुक नहीं करवाया मैंने, उसका डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी काम था सब कंप्लीट करवा दिया। बाइक मैंने बुक करवा दी थी 24 नवंबर 2020 को, यानी लगभग 1.5 महीना हो चुका है। और बाइक मैंने बुक करवाई अपने पापा के लिए, जैसे मैंने अभी वीडियो में पहले बताया, क्योंकि इस 31 जनवरी 2021 को उनकी शादी की 31वीं सालगिरह आ रही है। 31st वेडिंग एनिवर्सरी ऑन 31 जनवरी, तो पापा के लिए ये बाइक मैंने बुक करवाई है। बाइक कौन सी होने वाली है वो एक सस्पेंस है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बाइक मैंने बुक करवाई है। टिल देन मैं ये बता देता हूँ कि आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज 23rd of January 2021, आप ये वीडियो ऑब्वियसली 31st जनवरी के बाद देखोगे, क्योंकि एनिवर्सरी, क्योंकि सरप्राइज है। पापा को पता नहीं क्यों उन्हें सरप्राइज दे रहा हूँ, तो एनिवर्सरी से पहले तो आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि पापा भी वीडियो देख लेते हैं। तो ये वीडियो आप देखोगे फेब में, और बहुत एक्साइटेड हूँ डिलीवरी डे को लेके। इसीलिए मैंने सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था सब आज ही कंप्लीट करवा दिया 23 जनवरी को। मैं चाह रहा हूँ 30 या 31 को जब मैं ऐसे डिलीवरी लेके जाऊँ बाइक की, तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं फटाफट, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होगी उस मोमेंट पे, क्योंकि बाइक मुझे घर पे ले जानी है, पापा का रिएक्शन में रिकॉर्ड करना है कि क्या क्या रिएक्शन होगा। एंड दिस विल बी माई फर्स्ट व्लॉग दैट इंक्लूड्स माई फैमिली एज वेल। मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा व्लॉग के अंदर लेके नहीं आता, बट दैट वुड बी वेरी स्पेशल डे फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एज वेल, क्योंकि पापा लगभग बहुत, जब मेरी एज के थे तब से उनको बुलेट काफ़ी पसंद है। हमने इनफैक्ट 10 साल पहले भी बुलेट रखी थी, तब बेच दी थी किसी वजह से, क्योंकि उसके सर्विसिंग यहाँ पे नहीं होती थी। अभी तो चलो उसके आगे सर्विस सेंटर यहाँ पे, दैट्स वाई अभी बुक करवा दी। 2-3 साल पहले भी लेने का प्लान था, बट प्लान ड्रॉप कर दिया मैंने, क्योंकि तब गाड़ी का प्लान बन गया था। हमारी जो ऑल्टो थी वो काफ़ी ख़राब हालत हो गई थी, तो वी थॉट टू गो फॉर द कार फर्स्ट, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट टाइम। गाड़ी लेनी पड़ी तो मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर अभी सोचा कि अब ले लेते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। बाइक बुक करवा दी 24 नवंबर को, और 23 जनवरी को मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम कर दिया। 31 को संडे आएगा, तो मैं डिलीवरी लेने वाला हूँ 30th of January 2021। उस दिन डिलीवरी लेके रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे पापा के। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने माँ बाप के लिए करने का कुछ मौका मिलता है, या फिर वो कर पाते हैं, या वो करना चाहते हैं। सो आई थिंक आई एम लकी कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ छोटा सा काम, क्योंकि मुझे जब बाइक चाहिए थी, साइकिल चाहिए थी, साइकिल दिलवा दी, बाइक चाहिए थी, बाइक दिलवा दी, गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी दिलवा दी। मेरे या मेरे भाई की साइड से हम दोनों, अच्छा वैसे मैं और मेरा भाई दोनों मिलके बाइक पापा को गिफ्ट कर रहे हैं। हमारी साइड से पापा को ये एक हमारी तरफ से बड़ा गिफ्ट है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना माँ बाप बच्चे के लिए करते हैं, बच्चे कितनी भी जोर लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वो माँ बाप के लिए मतलब जितना करे ना वो सब कम है। मतलब इन दैट वे कि जो माँ बाप ने किया उसके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, तो बस एक छोटी सी कोशिश है पापा मम्मी को खुश करने की। पापा को अगर गिफ्ट दे रहा, ऑब्वियसली मम्मी, पापा के अकेले की एनिवर्सरी है, मम्मी को भी कुछ मिलेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या सरप्राइज होने वाला है। हाँ, पापा के लिए बाइक है, मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट होगा, वो वीडियो में पता लग जाएगा इन नेक्स्ट पार्ट। मैं नर्वस भी हूँ कि पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पापा को गिफ्ट्स पसंद नहीं है कि हम उनके लिए खर्चा करें, उनके ऊपर खर्चा करें, बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक कि वो नाराज तो होने वाले हैं। तो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं मैं और मेरा भाई मिलकर, कि आज तक अगर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आई, साइकिल चाहिए साइकिल दिला दी, बाइक चाहिए बाइक दिला दी, गाड़ी चाहिए गाड़ी दिला दी, तो उनकी छोटी छोटी खुशियों का हमें भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब हमारी बारी है, उनका था उन्होंने कर लिया, अब हमारी बारी है, अब हम कुछ करते हैं उनके लिए। अच्छा, अभी लाइट थोड़ी डिम हो रही है क्योंकि शाम का वक्त है, थोड़ा टाइम हो गया था मुझे रिकॉर्ड करते करते, और ये भी मैं डिफरेंट डे शूट कर रहा हूँ, तो ये क्लब कर दिया मैंने। और लाइटिंग अगर अच्छी नहीं आ रही देन आई एम रियली सॉरी, बट आई विल डू माई बेस्ट। और जो कमिंग पार्ट्स होंगे बुलेट के, उसमें आपको सारा पता लग जा, मेरे मुंह से बुलेट निकला, बट इट्स रॉयल एनफील्ड है, और कौन सी बाइक होगी वो तो पता लग जाए एग्जैक्ट वेरियंट। अब इसके ऊपर सीरीज आएगी, लोग परेशान हैं ऑलरेडी ब्रेजर से, अब रॉयल एनफील्ड के ऊपर, बट आई कॉन्ट डू एनीथिंग इन दैट। तो ये पार्ट्स आने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अराउंड 1st फेब या 2nd फेब को इसका डिलीवरी से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी गाड़ी मैंने ली है, कौन सी बाइक ली है। एंड टिल देन अज्यूम करिए, कमेंट कीजिए कि कौन सी बाइक मैंने ली है। कमेंट सही होते हैं देन आई विल शाउट आउट देयर नेम्स इन द कमिंग पार्ट, आई विल मेंशन देम ऑब्वियसली। First 10 guesses करेक्ट नहीं, जो First 10 guesses आएंगे इस वीडियो के ऊपर, और उनमें से जो करेक्ट जो गेस करेंगे कि कौन सी मैंने बाइक ली है, आई विल शाउट आउट देयर नेम डेफिनेटली इन द कमिंग पार्ट। तो मेक श्योर आप सही एक गेस करोगे, आई नो दैट्स नॉट अ रिवॉर्ड फॉर यू, बट ऐसे ही फॉर फन मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।